वंशज वंशज, तुम्हें याद है पिछली बार हम लोग मामा जी के घर गए थे गर्मियों की छुट्टियों में? हाँ, वो भी रेलगाड़ी में बैठकर। कितना मजा आया था। और तुम्हें याद है रेलगाड़ी कैसी आवाज निकाल रही थी? कू। हाँ, कू। पर क्या तुमने कभी जादू की रेलगाड़ी के बारे में सुना है? जादू की रेलगाड़ी? ये कैसी रेलगाड़ी है? लगता है तुम्हें फिर से एक नई कहानी सुनवानी पड़ेगी। कहानी? हाँ, सुनते हैं एक नई कहानी। और इस कहानी का नाम है जादू की रेलगाड़ी। चिन्नू खिड़की के पास खड़ा अपने प्यारे चंदा मामा को देखे जा रहा था और बार बार यही कह रहा था, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। ये गाते गाते चिन्नू यही पूछता, अरे ओ चंदा मामा, आप इतने दूर क्यों हैं? मैं आपको छूना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ और आपके साथ खेलना भी चाहता हूँ। तभी चिन्नू के कानों में आवाज आई, चिन्नू अपने कमरे से बाहर भागते हुए घर के छत पर जा पहुंचा। अंधेरे में उसे एक चमकती हुई रेलगाड़ी अपने घर की छत पर दौड़ती हुई नजर आई। चिन्नू रेल देखकर खुशी से झूम उठा और जोर से चिल्लाते हुए अपने सभी दोस्तों को बुला लाया, अरे ओ टिन्नू मिन्नू चिंकू, जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो 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 मेरी छत पर क्या है, जल्दी आओ जल्दी आओ। रेल ने चिन्नू और उसके दोस्तों से कहा, आओ ना, आओ आओ, तुम सब आओ और बैठ जाओ, बताओ सैर पर चलोगे? सभी बच्चे बोले, कहाँ? रेल बोली, कहीं कहीं बहुत दूर। सभी बच्चे डर गए, बोले, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। पर चिंकू झट से बोला, हाँ हाँ मैं चलूंगा रेलगाड़ी, मैं चलूंगा। हाँ, बस रेलगाड़ी ने चिन्नू को बैठाया और करते करते रेलगाड़ी आगे बढ़ गई। चिन्नू इधर से उधर उधर से इधर रेल के अंदर भाग रहा था, लेकिन बाहर से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा लगा कि रेल हवा में ऊपर उठ गई। चिन्नू बोला, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रुको, तुम तो हवा में उड़ रही हो, मैंने तो सुना और देखा भी है कि तुम पटरी पर चलती हो। रेल हंसी और बोली, हाँ हाँ चिन्नू, मैं पटरी पर चलती हूँ, पर आज मैं जादू की रेलगाड़ी बन गई हूँ और मुझे तुम्हारे चंदा मामा ने भेजा है तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए, चलोगे ना? हाँ जरूर चलूंगा जरूर चलूंगा। चिन्नू खुशी से झूम उठा और बोला, सच में चंदा मामा ने तुम्हें भेजा है? हाँ हाँ तुम्हारे चंदा मामा ने भेजा है। जैसे ही रेलगाड़ी चांद के पास जाकर रुकी, चंदा मामा का चिन्नू रेल से बाहर कूदा और चांद से बोला, तुम कितने अच्छे हो मेरे चंदा मामा, तुम कितने अच्छे हो। चांद हंसा और बोला,
तुम भी तो कितने अच्छे हो चिन्नू, रोज रात को अपनी खिड़की के पास खड़े होकर मुझे अपने पास बुलाते हो। देखो इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। शैतान चिन्नू अपने चंदा मामा के पास पहुंचने पर उनसे बातें करता और कभी खूब शैतानी भी करता। वही चंदा मामा चिन्नू को देख रहे थे कि वो कैसे धीरे धीरे अपनी जेब में वो सभी चीजें डाल रहा था जो उसे पसंद आ रही थीं। थोड़ी देर तक चंदा मामा देखते रहे, फिर बोले, दिखाओ तो जरा तुम्हारी जेब में क्या है। चिन्नू घबराकर बोला, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। गलत बात चिन्नू, एक तो तुम बिना पूछे अपनी जेब में चीजें भरते जा रहे हो और दूसरा झूठ बोल रहे हो। नहीं 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 चंदा मामा, मैं तो अपनी जेब में ये सुंदर चीजें इसलिए रख रहा था जिससे कि जब मैं अपने दोस्तों के पास वापस जाऊं तो उन्हें दिखा सकूं कि मैं तुमसे मिला था, बस इसीलिए। चंदा मामा के टोकने पर चिन्नू ने जो चीजें जहां से ली थी वहीं रख दी। शाबाश चिन्नू, तुम अच्छे बच्चे हो, जब भी तुम कहीं जाओ तो बिना पूछे कोई चीज मत उठाओ। वादा चंदा मामा, वादा रहा, कभी ऐसा नहीं करूंगा। पर आप मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और हाँ, तुम्हारे जाने का समय हो रहा है, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जाओ रेल में जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें हर रात तुम्हारी खिड़की के पास तुमसे मिलने आऊंगा। जैसे ही तुम मुझे देखो दूर से हाथ हिला देना, ठीक है? जी चंदा मामा। चिन्नू रेल में बैठकर जैसे ही वापस घर की ओर आने लगा तो रेल की आवाज सुनकर चिन्नू की नींद टूट गई। उसने देखा कि वो सच में अपनी माँ के साथ रेल में बैठा है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने चिन्नू को अपनी गोद में बिठाकर कहा, बेटा हम तुम्हारे मामा के घर जा रहे हैं। तो बताओ वंशिश, तुम्हें कहानी कैसी लगी? हाँ मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी। तुम्हें कहानी में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मुझे चंदा मामा अच्छे लगे, रेलगाड़ी अच्छी लगी। तुम्हें चंदा मामा क्यों अच्छे लगे? क्योंकि चंदा मामा ने ये समझाया था कि हमें कभी भी बिना बताए घर से नहीं जाना चाहिए। तो वादा करो तुम भी आज की बात बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। हाँ वादा, पक्का वादा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे उमंग बाल पत्रिका का ये अंश। कलाकार सुनील कुमार लोहिया, वंशज और श्रेया, ध्वनियांकन बटिलांग लिंदो, आलेख वाचन निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन गीतिका उनियाल।